जिन्नाथ बच्चों को कलेक्टर ने दिया न्याय, उन्हें गृह प्रवेश करवाने श्योपुर पहुंचे निवर्तमान कलेक्टर संजय कुमार। खबर श्योपुर से है, जहां कुछ दिनों पहले मंगलवार की जनसुनवाई में अनाथ बच्चे अपनी नानी के साथ फरियाद लेकर कलेक्टर संजय कुमार से मिले थे, जिसमें कलेक्टर ने तुरंत अपने माँ बाप को खो चुके अनाथ बच्चों को परिवार से उनके हिस्से की जायदाद दिलवाई। कलेक्टर के इस न्याय की जिले भर में जमकर तारीफ हुई थी। बता दें कि अभी पिछले सोमवार को कुछ अपरिहार्य कारणों के चलते शासन द्वारा कलेक्टर संजय कुमार का ट्रांसफर भोपाल कर दिया गया था और ट्रांसफर लिस्ट आने के तुरंत बाद ही कलेक्टर अपना चार्ज देकर भोपाल भी पहुंच गए थे। मगर कल निवर्तमान कलेक्टर संजय कुमार फिर श्योपुर आए और उन अनाथ बच्चों को हिस्से में आए हुए घर में गृह प्रवेश करवाया। इस दौरान जनप्रिय कलेक्टर का ढोल नगाड़े और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया, जिसे देख कलेक्टर भी भावुक हो गए। स्थानीय लोग भी कलेक्टर संजय कुमार के ट्रांसफर हो जाने से बहुत दुखी नजर आए। लोग कहते नजर आए कि आज तक ऐसे कलेक्टर नहीं देखे जो गरीब दुखी और असहाय लोगों के लिए दिन रात काम कर रहे थे। कलेक्टर संजय कुमार का कार्यालय उन्हीं कार्यवाहियों के लिए श्योपुर जिले में इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इन बच्चों के माता पिता दोनों रहे हैं और ये अपने नाना नानी के साथ रह रहे थे। इनकी पुश्तैनी काफी जायदादें थी इनके दादा की, लेकिन इनके जो चाचा राजू ऐसा कुछ नाम रवि, तो उसने सारी जायदाद अपने नाम से वसीयत के मार्फत जो है वो वैसे तो करे फर्जी है, लेकिन काफी जायदाद इन्होंने बेच दिया। मेरे पास जन सुनवाई में आए थे ये बच्चे अपने नानी के साथ, तो कोशिश किया, ये एक मकान बाकी था और जो कुछ और मकान जायदाद बेचे थे उसमें से 35 लाख रुपए इन बच्चों के नाम से एफडी कराई, और ये जो मकान बचा हुआ था पुश्तैनी उसमें इनके चाचा का हक त्याग कराया, इनके बुआ दो की उनका हक त्याग कराया और फलस्वरूप ये मकान अब बच्चों का है। आज बच्चों ने भी प्रवेश किया है अपने पुश्तैनी भी, तो अभी तक तो उनके पास कुछ भी नहीं था, वो हाशिए पे थे, एक तरह से अनाथ ही थे और नाना नानी वो भी बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं। तो मैं समझता हूँ उनके जीवन में एक बड़ा काम हुआ है और यहाँ से आगे उनका जीवन सवर जाएगा।